गोल लगातानी समाचार बटुए ओझा बराव बक्सर दोनों जगह से रिपोर्टर बानी संजय उपाध्याय जी। मसरिया पंचायत के ओझा बराव गांव में शनिचर के 5 लोग एगो विवाहिता महिला के साथ गैंगरेप के घटना के अंजाम दिले रहन, जेकरा के लेके पूरा दिन पुलिस महकमा में उहापोह के स्थिति बनल रहल। ओझा बराव गांव में अपना पिता के घर आई लड़की 1 साल से ही रहत रहे। शनिचर के वो ग्रामीण बैंक के CSP केंद्र में पैसा जमा करे अपना बच्चा के साथ चौंगाई जात रहे। वो महिला के बच्चा के आरोपित मार देने कि महिला के किडनैप कर लेने, बच्चा के मारे के बाद एक कनी के दोनों के बांध के आहर में फेंक दिया लोग। जरा बाद ग्रामीण आहर में रात्रि में आवाज़ सुन के दोनों के निकलन, जाना में विवाहिता के साथ चलत रहे, जरा बाद एकरा के सदर हॉस्पिटल भेजल गई। विवाहिता के पिता के बयान पर नामजद FIR दर्ज कल गई, जरा में 2 लोग के नामजद अभियुक्त आ 3 लोग के अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कल गई। यह मामला में आज पूरा दिन पुलिस के गाड़ी के आना जाना लागल रहल। SP नीरज कुमार सिंह ओझा बराव गांव में स्थल के जायजा लेनी, एकरा बाद अगल बगल के लोग के बयान भी दर्ज कैनी। हालांकि यह मामला में पुलिस तत्परता से लागल बिया, बता दी कि जौना दिन घटना घटे के बाद FIR दर्ज हो वही दिन एगो आरोपित के DSP KK सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गए। हालांकि यह मामला में अभी तक पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सबके इंतजार बटुए, ये एगो दर्दनाक घटना बटुए। अब चली जा बक्सर, तो बक्सर जिला के मुरार थाना क्षेत्र में भइल गैंग रेप के बाद एकरा के सदर हॉस्पिटल में भर्ती करावल गई रहे। पीड़िता के स्थिति अब खतरा से बाहर बा, लेकिन पीड़िता मानसिक रूप से हालत ठीक नहीं है। सदर अस्पताल के अधीक्षक बतैनी कि शरीर पे कोनो गंभीर चोट के निशान नहीं है, लेकिन वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब बिया। बक्सर सदर अस्पताल में इलाजरत महिला के बारे में अस्पताल से अधीक्षक कहनी कि महिला के काल दोपहरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौंगाई में लावल गई रहे। महिला के इलाज यहाँ कल जा रहा बटुए। फिलहाल महिला के शारीरिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन जौना प्रकार से महिला के सामने ओकर 5 साल के मासूम दरिंदा हत्यारा कर दिले, ऐसा में ओकर मानसिक हालत ठीक नहीं है। महिला अभी भी बोले के स्थिति में नहीं है। रेप मामला में वहाँ के बतैनी कि मेडिकल बोर्ड के गठन कैल हुआ, बोर्ड के रिपोर्ट आवे के बाद कुछ कहल जा सकेला। बतावा चली कि मामला पे घटना में कुछ भी बोले से सब कोई नजर आवता। बतावा चली कि ये मामला गंभीर हो चुकल बटुए। जौन रेप पीड़िता बिया ओकरा परिवार में रोन धोन चालू बटुए। रौरा सभे के भोजपुरिया समाचार ये देखी, जौन स्क्रीन पर सीन देखता ये चप्पल अभी भी वही में तैरता, जहाँ पे अपराधी पीड़िता के ले आके एक लड़का के ले आके यही आहार में फेंकले रहे लोग। जौना में रौरा सभे के स्क्रीन पर खुद देख सकीला कि एक चप्पल अभी भी तैर रहा बटुए। एकरा अलावे ये महिला जौना रास्ता से जाए के रहे, वो रास्ता सुनसान पड़ेला। वो रास्ता हटुए चौगाई आ ओझा बराव के मुख्य मार्ग, जौन की दोनों तरफ झाड़ी बटुए आ आहर बहता। ये रास्ता भी सुनसान बटुए। महिला वही रास्ता से जाए के प्रयास कैले रहे, लेकिन तब तक अपराधी 5 गो अपराधी महिला कहतिया ओकर बयान बटुए कि 2 लोग जेकर नामजद FIR बा आ 3 गो मुँह बांध के आ एकरा के ले गई लोग। एकरा बाद लगभग लगभग 15 घंटा से 16 घंटा तक एकरा साथे गलत व्यवहार भइल। हालांकि अभी तक मामला क्लियर नहीं के हो पावल। मामला जब क्लियर हो जाए तो सब कुछ दूध के दूध पानी हो जाए। आ मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार बटुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आ जाए सब कुछ पता चल जाए। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करी। सुनी बयान, शारीरिक रूप से उसको कोई कष्ट नहीं है, खाना खा रही है, पानी पी रही है, खड़ा हो रही है, बाथरूम जा रही है, लेकिन थोड़ा सा मानसिक अवस्था उसका ठीक नहीं लगता है। क्या लगता है जैसे उसका बच्चा कल ही मरा है, तो ऐसा स्थिति में कोई भी मानसिक रूप से गड़बड़ा जाएगा, वही हालत है उसके साथ। तो उसके साथ बच्चा जाने का काफ़ी मानसिक झंझावात में है वो, बोलने की जरूरत नहीं है। बोल तो रही है, हाँ। बोल रही है, लेकिन वो कभी कभी घबरा जाती है बोलने में, कुछ कोरिलेट नहीं कर पाती है। इसके अलावा और शारीरिक कष्ट नहीं है उसका। तो सर क्या लगता है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ होगा उस समय, ऐसे उसी कारण किसी स्थिति में गई है वो? अत्याचार नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि उस पर के उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, तो उसको अत्याचार कैसे मान लिया जाए। लेकिन क्योंकि उसका 5-6 साल का बच्चा मर गया है, तो ऐसी स्थिति में किसी का ही मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, खास करके वो लड़का था। सर आपने देखा क्या अभी स्थिति, क्या रेप की पुष्टि हो रही है क्या?
रेप की पुष्टि के लिए हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है और बोर्ड का रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर।